क्या विपक्ष को एकजुट कर पाई? दो सीएम की गिरफ्तारी। सीएम की गिरफ्तारियों के बाद क्या मजबूत हो गया विपक्ष? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर दो सीएम की गिरफ्तारी के बाद पहली बार एकजुट हुए थे। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब विपक्ष मार्टिन निमोलर की कविता को फॉलो करने लगा है। मार्टिन निमोलर की कविता का मतलब यही है कि अगर समय रहते आपने दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में आपके लिए भी बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। एक के बाद एक दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब आवाज उठाने का समय आ गया है और अगर अब नहीं बोला गया तो आने वाले वक्त में शायद उनके लिए बोलने वाला भी कोई दूसरा ना बचे और इसी वजह से पूरा विपक्ष भी एक हो पाएगा। क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट दिख रहा है और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की ओर से की जा रही कार्रवाई को नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताकर विरोध जता रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ऐसे नेता भी दिल्ली के सीएम के लिए एकजुट हो गए हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते नहीं थकते थे। दरअसल इंडिया गठबंधन बनने से पहले जो नेता केजरीवाल की मुखालफत करते थे वो सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा है कि इस वक्त अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा और इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी नेता इकट्ठे हुए, जिस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया की बात करते हुए कहा कि इससे दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया। वहीं फारूक अब्दुल्ला का चुनावी बॉन्ड की तरफ इशारा भी ये बता रहा था कि कैसे सभी नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल के भाषण के बाद आखिरी समय में सामने आई, मगर उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खत के जरिए गरीबों को मुफ्त बिजली से लेकर आपकी सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसा वायदा किया। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरे सहयोगी दल से बिना विचार विमर्श के किए गए इन वादों को लेकर वो बुरा नहीं मानेंगे। सुनीता केजरीवाल का ये भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने इन वादों पर आने वाले खर्च का पैसा कहां से आएगा इसको लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। यानी इस दौरान ये बताने की कोशिश की गई कि पूरा विपक्ष एकजुट है और एक है। यानी ये कहा जा सकता है कि दो राज्यों के सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में विपक्ष को अब समझ में आने लगा है कि करप्शन पर मोदी सरकार थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। विपक्ष के नेताओं के पास इस बात का संदेश चला गया है कि जब सीएम तक नहीं बच पा रहे हैं फिर सांसद विधायकों की गलती पर उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। तब सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता आखिर क्या करेंगे। इसका जवाब है कि विपक्ष के पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि या तो इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे, साथ ही विपक्ष को और ज्यादा मजबूती देंगे, क्योंकि अब एजेंसियों का डर सभी नेताओं को सता रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये आरोप है कि मोदी सरकार देश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है और इसलिए चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके जितने भी नेता गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी के पास भी पैसा नहीं मिला, जांच चल रही है, लेकिन नेता जेल में बंद है। आपका कहना है कि अब तक किसी पर कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। फिलहाल सभी विपक्षी नेताओं का यही कहना है, इसलिए जहां एक तरफ तमाम नेता एकजुट होकर विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करके गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने वोटरों को भी साधना चाहती हैं। क्योंकि विपक्ष को यह डर है कि अगर कार्रवाई को चुपचाप सहते रहे तो वोटर को कहीं ऐसा ना लगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, जिससे विपक्ष का वोटर बीजेपी के पास खिसक जाएगा। इसलिए विरोध के जरिए विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार गलत तरीके से विपक्ष को टारगेट कर रही है और विपक्ष विक्टिम है। खैर, केजरीवाल के साथ आज सबसे मजबूती से कांग्रेस खड़ी है, जिसके खिलाफ करप्शन का बिगुल फूंक फूंक कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी।
ईडी सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा की गई कार्रवाई से विपक्ष एक मंच पर नजर आया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन शुक्रवार को चुनाव आयोग भी पहुंचा था। गठबंधन ने चुनाव आयोग में ज्ञापन दिया और शिकायत दर्ज कराई। इंडिया गठबंधन ने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जो भी नेता पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं उनके खिलाफ किसी ना किसी रूप में कार्रवाई की जाती है या उन्हें परेशान किया जाता है। खैर, अब ये सवाल उठ रहा है कि एक के बाद एक नेताओं पर कार्रवाई के बाद क्या विपक्ष चुप हो जाएगा या और मुखर होगा। अपने सर्वाइवल के लिए विपक्ष ने बोलना उचित समझा है और वह बोल रहा है। इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि विपक्ष के सामने इस वक्त काफी चुनौतियां हैं। तमाम दावों के बावजूद विपक्षी एकजुटता और उसके चेहरे को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं दिखती है। चुनावी महीने की शुरुआत हो चुकी है और यही विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे सवाल उठता है कि मंच पर इकट्ठा हुए नेताओं को क्या वाकई बल मिला है या सिर्फ ये महज दिखावा है और ये सभी नेता सिर्फ अपना सियासी लाभ ही लेना चाहते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।